हे गाइज़, वेलकम टू माई चैनल। मैं सीमा आज लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी होम रेमेडी फेस उपटन। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने इस रेमेडी को लगा के ट्राई नहीं किया तो कुछ नहीं किया, बिकॉज अगर इस उपटन को लगाने के बाद आपकी स्किन में कोई फ़र्क नहीं हुआ तो सोचो आप कुछ भी लगाओ कोई फ़र्क नहीं होने वाला है। क्योंकि इसमें जो मैंने ऐड किए हैं ना, वो इतनी इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें रखी हैं जो आपकी स्किन को इंस्टेंट जो है फ़र्क दिखाती हैं। जैसे ग्रीन टी मैंने यहाँ पे लिया प्योर ओरिजिनल, और दही, कॉफ़ी और चुटकी भर हल्दी। ठीक है, तो इसका एक अच्छा सा पेस्ट आप बनाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी पानी या और लिक्विड डालने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, ग्रीन टी में जो है पॉलीफेनोल, ECGC, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और B2 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारी स्किन को डार्क से लाइट और पिंपल को दूर करती है, और साथ ही स्किन को बहुत ही हेल्दी और बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी स्किन को देती है। तो ग्रीन टी इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। दही और कॉफ़ी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, अगर फेस उपटन की बात करें तो ये ऐड ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी हमारी स्किन में हर तरीके से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देने वाली है। तो गैस, मैंने सारी चीज़ें जो भी बताई हैं, आप इनका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बस अपने फेस पर फटाफट अप्लाई कर लेंगे। इस उपटन को आप चाहे दिन में लगाएं या रात में लगाएं तो और अच्छा रहेगा। ये उपटन ऑयली स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और साथ ही पिंपल होने से रोकता है, सन टैन की प्रॉब्लम को दूर करता है, और इंस्टेंट ग्लो देता है, और स्किन को टाइट करने में भी हेल्प करता है। ओवरऑल कहने का मतलब है, ये जो उपटन है स्किन की सारी समस्याओं की एक बहुत ही अच्छी दवा है। तो फ्रेंड, हमारा जो फेस उपटन है वो बन के रेडी है। अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। एक मोटी मोटी लेयर हम अपने फेस पे चढ़ाएंगे। जितना मोटा चढ़ाएंगे आप, उतना ही आपको इफेक्ट अच्छा दिखेगा। आप देख रहे हैं, मैंने लिया है यहाँ पर ब्रश, तो मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे अपने हाथों से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको आधा घंटा लगा के छोड़ दें, और जब ये सूखने लग जाए, अच्छी तरह से पूरा सूख जाए, तो इसको हल्के हाथों से पानी से भिगाएं। उसके बाद रफ़ करके, रगड़ रगड़ के अपनी स्किन को जो है रफ़ करेंगे और इसे रिमूव करेंगे। साथ ही जो आपके फेसियल हेयर होते हैं ना, छोटे छोटे हेयर जो होंगे, तो वो भी इसके साथ ही निकल जाएंगे। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।